नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम लोग दो फोटो को एक साथ कैसे ज्वाइन करते हैं, यानी कैसे दो फोटो को हम लोग एक साथ कंबाइन करेंगे, वो भी एडोबी फोटोशॉप के अंदर इक्वल साइज एंड शेप कैसे करेंगे दोनों फ़ोटो का। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक फ़ोटो यहाँ पे मॉडल का दिख रहा होगा, एक मॉडल का यहाँ फ़ोटो देखिए। दोनों को मैंने देखिए ज्वाइन किया है और दोनों का साइज़ देखिए सेम टू सेम है। तो इस तरह हम लोग एडोबी फोटोशॉप के अंदर दो फ़ोटो को कैसे ज्वाइन करते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, स्टार्टिंग से दिखाऊंगा। और यह मैं आपको एडोबी फोटोशॉप 7.0 के अंदर दिखाऊंगा। लेकिन अगर आपको तरीका पता है तो आप किसी भी एडोबी फोटोशॉप के किसी भी वर्जन में आप दो फ़ोटो को एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो काम करना होगा वो आप एडोबी फोटोशॉप को ओपन करें, फाइल में जाएँ और न्यू पे क्लिक करें। अब एक न्यू का यहाँ पर डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब जिस नाम से आप अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे नाम दे सकते हैं। उसके बाद सवाल उठता है साइज़ का। तो देखिए मैंने जो साइज़ ले रखा है यहाँ पे इस बॉक्स में क्लिक कीजिए, कस्टम साइज मैंने ले रखा है। और यहाँ पे देखिए चौड़ाई मैंने ले रखा है 4 इंच और हाइट रखा है 2 इंच और प्लस यहाँ रिजोल्यूशन मैंने 300 कर देता हूँ 300। और यहाँ पे आप अगर लैब में प्रिंट आउट करना चाहते हैं या नेट पे देना चाहते हैं तो RGB रखिए। अगर आप प्रिंट आउट करवाना है नॉर्मली तो यहाँ से आप CMYK चूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैंने RGB रखा है क्योंकि मुझे स्टूडियो से फ़ोटो निकालना है, जहाँ पे हम लोग फ़ोटो वगैरह निकालते हैं स्टूडियोज़ के फ़ोटो, तो RGB रखना होगा। और यहाँ पर कॉन्टेंट मैंने वाइट रखा है, देख लीजिए एक बार, विड्थ 4 इंच है, हाइट 2 इंच है। उसके बाद ओके पे हम लोग कस्टम मैंने चूज़ कर रखा है, उसके बाद ओके पे क्लिक करते हैं। तो इस तरह देखिए विथ, देखिए यहाँ पे स्केल में आप स्केल भी दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए स्केल इसका देखिए 4, चौड़ाई जो मैंने बोला था आपको 4 इंच का है और यहाँ पे हाइट देखिए 2 इंच का आपको दिख रहा होगा। अब सवाल उठता है फ़ोटो लेकर आना। अब इस फोटो में हम लोग इक्वली दोनों फ़ोटो को इक्वल साइज़ का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दो फ़ोटो एक अलग साइज़ का हो जाएगा दूसरा भी अलग साइज़ का हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों फोटो को हमें एक साथ ज्वाइन करना है और इक्वल साइज़ का करना है। अब फ़ोटो लेने से पहले हम लोगों को क्या करना होगा, ये जो पेज हम लोगों ने जो पेज ले रखा है यहाँ पे, इसको इक्वली दो भागों में हमें डिवाइड करना है। मतलब ये अगर 4 इंच का है तो इसे दो इंच तक इसे डिवाइड करना होगा पेज को। तो वो कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप मेनू बार में चले जाइए और यहाँ पर देखिए व्यू है, व्यू में क्लिक कीजिए। और व्यू मेनू में क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए न्यू गाइड, यहाँ पे न्यू गाइड का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे न्यू गाइड का जो डायलॉग बॉक्स यहाँ पे हम लोग लेकर आए हैं, यहाँ पे देखिए ओरिएंटेशन है, हॉरिजेंटल अगर करते हैं हम लोग तो पेज को हम लोग इस तरह डिवाइड हो जाएगा, इस तरह डिवाइड हो, लेकिन हमें क्या चाहिए वर्टिकल, मतलब पेज का ऐसे हमें डिवाइड करना है दो भागों में। अब ये पोजिशन है, पोजिशन मतलब कहाँ पर रखना है, 2 इंच पर रखना है कि 1 इंच पर रखना है कि 3 इंच पर आपको रखना है। तो फिलहाल मेरा 4 इंच का है तो उसे अगर हाफ डिवाइड करेंगे तो हम लोग उसको 2 इंच रखना पड़ेगा, पोजीशन हमें 2 इंच रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2 इंच। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे पोजीशन में मैंने 2 लिख दिया है, इससे ये होगा कि 4 इंच का अगर पेज है तो उसे 2 इंच में एक गाइडलाइन आ जाएगा। ऑटोमेटिकली वर्टिकल चूज़ किया है मैंने, देखिए वर्टिकली एक ऐसा इस तरह गाइडलाइन आ जाएगा। ये पोजीशन 2 रखा है मैंने, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देते हैं। देखिए सिंपल, देखिए 2 इंच पे मेरा एक गाइडलाइन आ गया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2 इंच दे रखा है तो 2 इंच का एक गाइडलाइन आ गया। अब ये जो 4 इंच का पेज है टोटल, यहाँ पे देखिए 2 इंच में इसे हाफ इक्वली मैंने डिवाइड कर दिया है, पहला फ़ोटो यहाँ ऐड करूँगा दूसरा फ़ोटो यहाँ पे ऐड करेंगे। तो सिंपल तरीका है जिससे आप पेज को भी आप यहाँ से ये देखिए, आप अब यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे देखिए 2 इंच से शुरू हुआ है या 0 इंच से शुरू हुआ है, यहाँ पे देखिए 4 इंच में, ये 4 इंच चौड़ाई है, हाइट देखिए 2 इंच दिख रहा है आपको। ये देखिए पेज को मैंने इक्वली 2 इंच पर गाइडलाइन रख दिया है, पेज को 2 भागों में मैंने डिवाइड कर दिया है। अब एक फ़ोटो हम लोग यहाँ रखेंगे, दूसरा फ़ोटो यहाँ रखेंगे। अब चलिए फ़ोटो लेकर आते हैं, फाइल में जाएंगे, उसके बाद ओपन पे हम लोग क्लिक करेंगे, ओपन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब जो भी फ़ोटो आपने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप जिस जगह भी रखा है, चाहे सी हो डी हो, जिस जगह भी रखा है उस फ़ोटो को लेकर आना है। तो मैंने एक फोल्डर में रखा हुआ है यहाँ पे मॉडल फ़ोटो नाम से, मैं लेकर आता हूँ फ़ोटो, ये देखिए मॉडल फ़ोटो है, इसे मैंने ओपन किया, यहाँ देखिए बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं, मैं 2 फ़ोटो लेकर आता हूँ, सेम वही फ़ोटो मैं लेकर आऊँगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं ये फ़ोटो एक फ़ोटो है और दूसरा ये फ़ोटो है। तो आप
एक साथ कंट्रोल प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं एक एक करके सिलेक्ट करता हूँ, इसे मैंने क्लिक किया, उसके बाद ओपन पे क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद ओके। ये फ़ोटो देखिए यहाँ पे एक अलग सा विंडो में खुल गया। अब इस फोटो को मुझे इस पोजिशन में, हाफ में रखना है, तो इसे मैं इसके ऊपर माउस पॉइंटर रखूँगा और ड्रैग करके अपने पेज पर ला के रख दिया। ये देखिए मैंने यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर ये देखिए आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रहा होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लाइन है, डॉटेड लाइन। ये लाइन अगर नहीं आ रहा है तो कंट्रोल टी करके भी आप फोटो को रिसाइज कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे ये जो मूव टूल है इस पर क्लिक करके रखिएगा और इसको ऑन करके रखिएगा। सो बाउंडिंग बॉक्स को अगर ऑन करके रखेंगे तो ये डॉटेड लाइन ऑटोमेटिकली चला आता है। या कंट्रोल टी करके भी आप फोटो वगैरह को रिसाइज कर सकते हैं। उसके बाद ऑल्ट पकड़ के आप इक्वली, अगर साइज करना है ऑल्ट पकड़ के ड्रैग कीजिएगा तो इक्वली फ़ोटो का यहाँ पर साइज होगा। ऑल्ट पकड़ के आप ड्रैग करने से ये होता है। तो यहाँ पे फ़ोटो को मैं इक्वली यहाँ पे सजा लिया। ये देखिए चार यहाँ पे फ़ोटो को मैंने, ये देखिए ये फ़ोटो यहाँ पे आ गया। ये पहला फ़ोटो मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन का ऑप्शन आ गया, इसे अप्लाई कर दिया। ये देखिए फ़ोटो हाफ इधर फिट कर दिया। अब दूसरा हम लोग फ़ोटो लेकर आते हैं, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। ये फ़ोटो का काम मेरा हो गया। अब दूसरा हम लोग फ़ोटो लेकर आएंगे, फाइल में जाते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं। ओपन पे क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स इस तरह आ जाएगा। उसके बाद हम लोग दूसरा फ़ोटो एक लेकर आते हैं। ये देखिए एक फ़ोटो यहाँ पे है, इसको मैंने क्लिक किया, उसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे। अब सेम दूसरा फ़ोटो आ गया यहाँ पे, ये देखिए दूसरा फ़ोटो। इसे भी इसके ऊपर माउस पॉइंटर रखेंगे और इसे ड्रैग करके ये हाफ वाला पोर्शन पर ला के मैंने यहाँ पर रख दिया। आप यहाँ पर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर रख दिया, देखिए यहाँ पर फ़ोटो आ गया। सेम उसी तरह आपको ऑल्ट कॉर्नर पोर्शन पे माउस रखना, ऑल्ट पढ़ के आप ड्रैग कीजिए, इक्वली देखिए फ़ोटो यहाँ पे सेट होगा। ये देखिए उसके बाद यहाँ पे ये देखिए आपको इस तरह फ़ोटो को लगा देना है। यहाँ पे देख सकते हैं दो फ़ोटो इक्वली मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, देख लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। ये देखिए इक्वली सेट हो गया फ़ोटो। उसके बाद यहाँ पर मूव टूल पर अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए दो फ़ोटो इक्वली यहाँ पर मैंने सेट कर दिया, कंबाइन कर दिया, दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया या ज्वाइन कर दिया, जो भी कहिए, इसे मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया। इसे मैं थोड़ा सा जूम करके और भी इसे बड़ा कर देता हूँ प्रिंट साइड। ये देखिए, ये देखिए, ये देख सकते हैं फ़ोटो को मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया, देख लीजिए। यहाँ पर जो पतला सा आपको लाइन दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली क्या है, ये गाइडलाइन है, ये देख सकते हैं गाइडलाइन। इसे मैं थोड़ा सा जूम, ये देखिए जूम आउट कर देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए फ़ोटो आप देख सकते हैं इक्वली, देखिए दोनों बराबर है, देख लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे दोनों को कंबाइन कर दिया। और ये जो गाइडलाइन है ये प्रिंट आउट तो नहीं होता, प्रिंट करेंगे तो गाइडलाइन नहीं प्रिंट होता है। तो इस गाइडलाइन को भी कैसे हटाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए क्या कीजिए, व्यू में जाइए, जाने के बाद व्यू मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पर देखिए क्लियर गाइड्स है, क्लियर गाइड्स करेंगे तो ये लाइन चला जाएगा, ये वाला पतला वाला क्लियर गाइड। ये देखिए फ़ोटो देखिए इक्वली यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं दो फ़ोटो को मैंने इक्वली यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब सवाल उठता है कि इस दोनों फ़ोटो को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट आउट अगर निकालना है तो इसे किस फॉर्मेट में सेव करने से बेस्ट रहेगा, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग फाइल में जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं साइज़ देखिए 4 इंच का मैंने जो ले रखा है आपको बता दिया, और हाइट 2 इंच का था। उसके बाद इसे सेव कैसे करेंगे, फाइल में जाइए, उसके बाद इसे सेव एज पे क्लिक कर दीजिए। सेव एज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए मैं इसे कहाँ पे रख रहा हूँ, मॉडल फ़ोटो के अंदर रख रहा हूँ। और यहाँ पे फाइल नेम आपको देना होगा, जिस जगह भी आपको रखना है, डेस्कटॉप पे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ आपका दिल करे आप उसे सेव कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं मॉडल फ़ोटो का फोल्डर उसमें रख रहा हूँ, यहाँ पर फाइल नेम और यहाँ पर फॉर्मेट। तो फाइल नेम यहाँ पर दे देता हूँ मैं फाइनल जॉइन जॉइंट फ़ोटो, दे दिया मैंने, देखिए यहाँ पे फाइनल जॉइंट फ़ोटो दे दिया है। प्लस फॉर्मेट, फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है कि जिस फॉर्मेट में आपको सेव करना है, तो बेस्ट यही है जेपीजी, जिसे हम लोग बोलते हैं जेपैक बोलते हैं, तो जेपीजी में इसमें सेव कर देते हैं। इसे देखिए जेपीजी फाइनल जॉइंट फ़ोटो जेपीजी आ गया, यहाँ पर लिखा डॉट जेपीजी आ गया, उसके बाद इसे सेव कर दीजिए। एक और ऑप्शन आएगा जेपैक का ऑप्शन आएगा, उसे आपको ओके कर देना है। ये देखिए सेव हो गया मेरा फ़ोटो। अब इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ, इसे मैं क्लोज़ कर दिया, इसे नो कर देता हूँ, इसे भी क्लोज़ कर देता हूँ। अब देखते हैं वो फ़ोटो सेव हुआ है कि नहीं, चलिए देख लेते हैं। फाइल में जाते हैं, यहीं से भी ओपन कर सकते हैं, वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। ये हम लोग ओपन वाला डायलॉग बॉक्स आ गया, ये देखिए मॉडल फ़ोटो आ गया। अब सबसे नीचे देखते हैं वो फ़ोटो सेव हुआ है कि नहीं देख लेते। ये देखिए फाइनल जॉइंट फ़ोटो नाम से, यहाँ पर देखिए इस कर्सर भी रख रहा हूँ तो यहाँ पर शो कर रहा आइटम टाइप जेपीजी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसको मैं ओपन करूँगा, ये देखिए मैं ओपन कर देता हूँ। ये देखिए फ़ोटो मेरा यहाँ पे आ गया, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये फ़ोटो है, ये देखिए फ़ोटो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये देखिए फ़ोटो यहाँ देखिए फाइनल जॉइंट फ़ोटो जेपीजी दिख रहा है।
तो इस तरह हम लोग किसी भी फ़ोटो को इजीली आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए फ़ोटो को मैंने यहाँ पे देखिए ज्वाइन कर दिया। ये सिंपल और आसान तरीका है जिससे आप इक्वली फ़ोटो को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि फ़ोटो को जब ज्वाइन करते हैं तो एक फ़ोटो छोटा हो जाता है, एक फ़ोटो या तो बड़ा हो जाता है, लेकिन दोनों को इक्वली करने के लिए मैंने आपको तरीका भी बताया, पेज को कैसे डिवाइड करते हैं प्लस उसे कैसे पुट करते हैं। और भी कुछ जानना चाहते हैं फ़ोटोशॉप से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।